किया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, उसको हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है ऑनलाइन वो रेडमी नोट 5 है, और ये प्रोडक्ट जो है वो एम आई का प्रोडक्ट है पूरा, और इसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले पूरा आता है, ऐसा कुछ इस प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और गोरिल्ला ग्लासेस यूज हुआ है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले आएगा, 2.5D फ्रंट ग्लास पैनल रहेगा, और रेडमी मॉडल विद लार्जेस्ट डिस्प्ले आएगा, सबसे डिस्प्ले जो इसका थोड़ा लार्ज रहेगा, और इसका जो स्पेस है वो 32 GB है मेमोरी इसकी, और 400 MHz की इसकी 4000 MHz की बैटरी है, और 4 कलर के ऑप्शन में प्रोडक्ट पूरा अवेलेबल है। मैंने जो ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट पे वो ब्लैक है, और गोल्ड, लाइट ब्लू, रोज गोल्ड, इस तरह के 4 अलग अलग आपको इसमें ऑप्शंस मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 625 2.0 GHz की मैक्सिमम इसका प्रोसेसर रहेगा, 8.56 GB इसकी मेमोरी रहेगी, 3 GB प्लस 32 GB इसका मेमोरी और रैम रहेगा, 4 GB प्लस 64 GB का भी ऑप्शन अवेलेबल, वो करीबन 12,000 में आपको मिलेगा। इसका जो डायमेंशन रहता है उसकी हाइट 158.5 mm रहती है, और विथ 75.44 mm रहती है, थिकनेस इसका 8.05 mm है, वेट 180 ग्राम। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हम पूरा अनबॉक्स करके देखते हैं, और फ्रेश न्यू पीस आया है मेरे पास, इसको पहले अनबॉक्स करेंगे। ये बिल दिया है फ्लिपकार्ट से, देख सकते हैं आप बिल, अभी नया परचेस किया हुआ है। इसकी टोटल जो प्राइस है वो 8,927 रुपीज, और इसका जो IGST है, इंडियन GST, वो 1,071 रुपीज मैंने इसमें GST पे किया। टोटल अमाउंट जो हो रहा है वो 9,999 हो रहा है, GST के साथ ये अप्लाई होता है प्राइस जो टोटल है। बॉक्स अब खाली हो चुका है, और ये ओरिजिनल बॉक्स है MI का, ऐसा कुछ है वर्जन, MI नंबर वन, इंडिया नंबर वन फोन है, अभी सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हो रहा है वो MI हो रहा है। कुछ यहाँ पे पीछे लिखा है मेक इन इंडिया, पता नहीं इंडिया में बनाते हैं कि चाइना में बनाते हैं, लेकिन लोगो यहाँ पे लिखा है मेक इन इंडिया, और ब्लैक पीस है, 3 GB 32 GB इसका मेमोरी है, और कुछ रेडमी नोट वे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए बैटरी के साथ, बिल्कुल फ्रेश पीस है, भारत का नंबर वन सेलिंग फोन, ऐसा कुछ बॉक्स है आप चारों साइड से देख सकते हैं। अब इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे, पैकेट जबरदस्त है, बिल्कुल नया, जिसने भी डिज़ाइन बनाया बहुत अच्छा बनाया है, डिज़ाइनर का काम बहुत अच्छा है। इसका जो ऊपर का प्लास्टिक का कवर था वो मैंने हटा दिया है, अब हम यहाँ से इसका सील ओपन करेंगे, यहाँ पे सील दिया हुआ है, पहली बार अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो आप देख लेना, और कोई सजेशन हो तो वो भी देना, कमेंट करना, लाइक मत करना, खाली कमेंट करना तो भी तो चलेगा, शेयर जरूर करना। नहीं रहा है कि पहली बार खोल रहा हूँ, लक 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 खुल गया, इसमें कुछ नहीं है, खाली है, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे एसेसरीज, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, एक केबल दिया है
जिसको आप आपकी भाषा में डेटा केबल कहते हैं, चार्जिंग भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में कनेक्ट भी कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का कवर है इसमें, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, कुछ एक मीटर का है शायद, बहुत छोटा है, 2 मीटर का होना चाहिए। इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये बुक दी है, फीचर्स बताए अलग अलग, डिस्क्रिप्शन है पूरा, यूजर मैनुअल, और इसमें यहाँ पे सिम कार्ड कैसे आपको कैरी करना है, MIUI, बहुत ही गूगल का जो एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम है वो इसमें आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहेगा, सपोर्ट नैनो सिम कार्ड एंड सपोर्ट नैनो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड, ड्यूल सिम आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ लिखा है। ऑटो डिस्पोज द प्रोडक्ट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यूजिंग डिवाइस कैसे करना है, वेस्ट की वेस्ट जो भी ये बॉक्स हमने किया उसको कहाँ पे डालना है, USB पोर्ट कहाँ पे लिखाना है, ऐसा कुछ यूजर मैनुअल में लिखा है। इसके बाद ये थोड़ी चाइनीज और अलग अलग लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन दो ही लैंग्वेज, एक चाइनीज है और एक इंग्लिश। इसमें कुछ लिमिटेड वारंटी कार्ड है, पूरा कितने साल की वारंटी देता है ये, 1 ईयर की वारंटी देता है। एक कवर आया, कपड़े पहनाने पड़ेंगे सिंपल इंडियन जो लोग हैं वो मोबाइल बहुत बढ़िया लेंगे, लेकिन मोबाइल को दिखने नहीं देंगे, उसके ऊपर कवर रखेंगे ट्रांसपेरेंट, पर्दा करवा देंगे, और गिर जाए कहीं पे कुछ हो जाए तो कुछ हो ना, इस तरह का कुछ कवर आता है फ्री में, इस तरह के दूसरे पैकेज से अलग अलग। और हम हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो देखेंगे, एकदम स्लिम फ्रेश पीस, बहुत ही सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जबरदस्त, देख के ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश हो गया मैं इस पीस को ओपन करके, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है। मैं इससे पहले भी MI का ही फ़ोन यूज़ कर रहा था, Note 3, मुझे बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। ये दूसरा मैंने ऑर्डर किया और ये एकदम नाजुक जबरदस्त आईफोन की कॉपी हुआ ऐसा लग रहा है। नीचे स्पीकर भी है, साइड में दो स्विच है, तो ऑन ऑफ का और दूसरा वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कैमरा है, फ्लैश लाइट दी है, स्क्रीन गार्ड भी लगाया हुआ है और दो स्पीकर है शायद नीचे, एकदम स्लिम पीस है और ब्लैक कलर का है यहाँ पे, और बारकोड दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है मेड इन इंडिया। इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, एकदम हाथ में आपके सेट हो जाता है, स्लिम रहता है। मेरे पास दूसरा जो फ़ोन था वो भी Note 3 है, इससे भी सेम स्लिम है शायद, दोनों पीस का आप कंपेयर कर सकते हैं, स्लिम है और ज़बरदस्त है, स्क्रीन भी लार्ज स्क्रीन है, पीस भी बड़ा है। मेरे पास जो आगे का पीस था गोल्ड था, ब्लैक मैंने मंगवाया। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, बैटरी इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट आती है, डालनी नहीं पड़ती, और चालू करके देखते हैं। इसे स्विच ऑन किया मैंने, चालू हो रहा है, चालू हो गया। पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है MI के अंदर। एक्चुअली जो यूज़र MIUI 9 नहीं कंफर्टेबल लगते उनके लिए ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट है, जो एंड्रॉयड के अंदर कंफर्टेबल है यूज़र उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। MIUI 9 लाइटनिंग फास्ट चालू हो गया ही, स्टार्ट करके देखते हैं। चेंज लैंग्वेज कौन सा रखना है, पूरा सेटअप दिया है यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर दिया,
जो कीबोर्ड कीबोर्ड हम गूगल का यूज़ करेंगे और स्किप फंक्शन कंडीशन एक्सेप्ट चेकिंग सिम कार्ड, सिम कार्ड अभी मैंने डाला नहीं, सब सिम कार्ड का पूछ रहा है, स्किप करेंगे हम, स्किप कर दिया मैंने। अकाउंट बोल रहा है फिंगरप्रिंट टच का वो सब सेटिंग्स बहुत हैं, आपको सब एग्री करते जाना है। पूछ रहा है कि MI डिफॉल्ट रखना है कि फिर चूज थीम्स कौन सा आपको रखना है। मैं अभी इसका जो डिफॉल्ट है उसकी जगह लिमिटलेस कर रहा हूँ, ये वाला थीम मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो। इस तरह का कुछ आ रहा है, मैट फिनिश दिए हुए है, टाइम गलत बता रहा है, कंट्री सिलेक्ट की थी फिर भी टाइम गलत बता रहा है। एंड्रॉयड जो यूज़र है उनके लिए बेस्ट है। और कैमरा इसका देखिए, 12 मेगापिक्सल कैमरा इसमें फ्रंट में है और फुल डिस्प्ले आता है। बैटरी जो है इसकी वो 4000 मेगावाट की। कैमरा एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे तो 12 मेगापिक्सल रियर बैक कैमरा आता है और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है और ड्यूल LED फ्लैश दिया है, आगे भी LED फ्लैश होगा। एक पिक्चर लेके हम देखते हैं। लो लाइट एनहांसमेंट है, HDR का ऑप्शन है, पैनारोमा दिया है। पैनारोमा तो किसी को शायद पता भी नहीं होगा यूज़र को, पैनारोमा फेस रिकग्नाइज रिकग्नाइजिंग दिया हुआ है, सेल्फ लाइट सेल्फ काम डाउन फेस रिकग्नाइज 1080 pixels to 720 pixels वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड का FPS रहेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो सपोर्ट 5G वाईफाई वाईफाई डायरेक्ट 5G को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 4.2 ब्लूटूथ HD है। 4G dual sim आप ऐड कर सकते हो और नैनो सिम कार्ड और नैनो सिम माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। बटन अलग अलग, नेविगेशन बूस्टिंग सेंसर के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपास हाफ इफेक्ट सेंसर एंबिएंट लाइट सेंसर इनपॉक्सी सेंसर दिए। मल्टीमीडिया सपोर्ट में आप MP4 चला सकते हो, वेव फॉर्मेट चला सकते हो, SWF नहीं चला सकते हो, MP3 चला सकते हो और MP4 भी चला सकते हो। पैकेज कंटेंट में जितने ऑप्शन दिए हैं तो इस तरह का कुछ ऑप्शन है, स्टार्ट हो चुका है फोन। और बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन में आ रहा है पूरा, देख सकते हो। और कैमरे का हम यूज करके देखते हैं, अभी यहाँ पे ये और कैमरा तो ज़बरदस्त है, 12 मेगा पिक्सल में इतना हाई क्वालिटी रिजल्ट मिले कि यहाँ पर भी पिक्चर करता वो इस तरह का कुछ आउटपुट आता है पिक्चर का। पिक्चर थोड़ा फट रहा है, सेल्फी लेके देखते हैं। इस तरह का कुछ सेल्फी आता है आपका ना है, इस तरह का पिक्सलाइट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह का दिखेगा पूरा, मैक्सिमम यूज कर सकते हो। कम प्राइस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर के साथ MI का फोन ये परचेस कर सकते हैं। इसमें आप दोनों सिस्टम चला सकते हो, MIUI और एंड्रॉयड, दोनों की थीम दी हुई है इसमें, तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे।
एमआई के जो यूज़र है उनको एमआई यूआई 9 में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो फिर वो एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हैं। और बस सब कुछ आ गया शायद,